já je to na 7 minuta. Ten který dělá rakotáro, je to mazlíja. Od kudy se vládí, od kudy se vládí. Je to sváté, ne? A zádáváme mazlíme kávada. आशूर के उस मरहले में हम दाखिल हैं कि जब हर आंख में तस्वीरें कर बड़ा खुदा ये वक्त मोहताज ही नहीं होता कि कोई खतीब कुछ पढ़े तो गिर गया, क्योंकि हुसैन इस वक्त तस्वीर मुजस्सम बनकर हर अपने चाहने वाले की निगाहों के सामने होते हैं। ये हुसैनियत का कितना बड़ा मुजज़ा है कि मादे के इस दौर में, नफ्सा नफ्सी के इस दौर में, लालच से भरे हुए इस दौर में हुसैन अपने चाहने वालों को निकाल के एक फर्श अदा पे यूं बिठा देता है कि ये चाहने वाले हुसैन के इस वक्त पूरी दुनिया से जुदा नजर आ रहे हैं। और मलाइका रहमत क्यों ना इन अज़ादारों पर रहमत नाज़िल करें, जो दुनिया भर के हंगामों से अलग होके सिर्फ सैयद कौनैन को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा देने के लिए आए हुए। ये मौजज़ा है और ये मौजज़ा अल्लाह की जिम्मेदारियों में से है। हमारी खुशकिस्मती है कि इस फरीजे में कोई हिस्सा हमें मिल जाए, अपने हिस्से का काम हम अदा कर सकें। और दुआ है कि हमारे आंसू हमारी हाजरी इस बारगाह में कबूल हो जाए। मैं अर्ज करता हूँ कि हुसैन उस मंजिल पे हैं, मसाइल से पहले सिर्फ मारिफत हुसैन के लिए आपको करीब ला रहा हूं। सूरह फल को सूरह हुसैन भी कहा गया, इसी तफसील में आप जाइए, मासूमीन ने इसे सूरह हुसैन के नाम से तालीम किया। और इसकी बिलखसूस अवलीन आयतें, यूं तो हर आयत कार हुसैन से जुड़ी हुई है, जहां ताबूत की याद करवाई, ताबूत का तस्करा है इस आयत में, इस सूरा में, तो वो भी दर पर्दा हुसैन के मुकाबले में आने वाले ताबूत को माजी का ताबूत याद करवाया गया। मुकाम हुसैन, वो दस रातें, वो फज्र आशूर, और फिर अंजाम में जैसे कसीदा लेकर हुसैन का अंजाम में अल्लाह ने आवाज दे के कहा, या अय्यतुह नफ्स मुतमईना, ऐ नफ्स मुतमईना, जाइए इला रब्बिका राज़िया मर्ज़िया, लौट आ, पलट आ अपने रब की तरफ। इस हालत में कि तू उससे राजी है, अल्लाह से और अल्लाह तुझसे राजी हो गया, यानी कमाल ये है कि अल्लाह ने अपने राजी होने से इस बात को मुकम्मल नहीं किया, सिर्फ ये नहीं बताया कि मैं राजी हो गया। यहां अल्लाह हुसैन की अहमियत बता रहा है कि खुद अल्लाह फख्र से बयान फरमा रहा है कि हुसैन तू मुझसे राजी हो गया, मैं तुझसे राजी हो गया। दाखिल हो जा, बिला फासला दाखिल हो जा मेरे बंदों में। फतखोली बिला फसल के लिए आता है, फाल लगता है, खुद खोली कहा जाता तो फासला था, फतखोली कोई फासला नहीं, जहां तू है बस यहीं से मेरे बंदों में आ जा। वतखोली जन्नत थी, और फिर उनके साथ जन्नत में दाखिल। हुजूर
ये वो आयत है जो दलील है और अरबा ने इस पर बहस की है और हदीस मौजूद है पैगंबर की हदीस आइमा तहरीन की हदीसें कि फरिश्ता रूह को इजाजत नहीं है, ये उसके इख्तियार से बाहर का अमल है, उसका इख्तियार यहां खत्म हो जाता है। किस बात पे? कि वो खुद पैगंबर की, अमीरुल मोमिनीन की और आइमा तहरीन के रवाब को कब्ज करे, वो तमाम मखलूकात की रूह कब्ज करता है, मगर वो रूह कब्ज करता है उसकी जो उसके मातहत है, जो उससे मावरा मुकाम विलायत पे फाइज है। फरिश्ता इज्जत नहीं रखता कि वो उनकी रूहें कब्ज करने के लिए जाए। खुद हदीस मासूम है जिसका मफहूम यहां कर रहा हूं कि हमारी अरवाह पैगंबर की, मासूमीन की, औसिया पैगंबर की अरवाह, इन 14 की रूहें परवरदिगार ने बराह रास्त खुद अपनी रदा व मशीयत से कब्ज किया। यानी ये मुकाम है मस्तियों का, कब्ज रूह एक इख्तियार का जाहिर करना। जब हमारे पास रूह कब्ज करने आता है तो फरिश्ता अपने इख्तियार को हाथ में जाहिर करता है, लेकिन इन्नामा वलियुकुम की आयत के बाद उसमें अल्लाह वली है, रसूल वली है और तीसरा अली वली है, आइमा वली है, तो फरिश्ता खुद औलिया के मातहत है। जितने मलाइका हैं वो इन तीनों औलिया के मातहत हैं, इसलिए जो मातहत हो वो अपने से आला के रूह को कब्ज नहीं कर सकता। ये इश्तबा है, शायरी में कहा जा सकता है मसीहा छेड़ने के लिए, एक मजमून बनाने के लिए, लेकिन हकीकत में जो हदीस है मासूम की वो ये कहती है कि फरिश्ते को इख्तियार ही नहीं जो हमारी अरवाह को कब्ज करे। अल्लाह बराह रास्त हमारी अरवाह को, जिस तरह उसने बराह रास्त हमें अपने नूर से खल्क किया, उसी तरह बराह रास्त हमारी रूह को उबारता है और ये रूहें अपने इख्तियार से उसकी तरफ जाती हैं। और ये इख्तियार इस आयत में लिखा हुआ है। देखें कब्ज रूह की दो हालतें हैं, एक है इस्तरारी, एक है इख्तियारी। कुल नफ्स ज़ायकतुल मौत, यहां हम मजबूर हैं, हम चाहे न चाहे हमारी रूहें कब्ज होंगी, हम चाहे न चाहे हमारी रूहों को जाना है, कब्ज करने वाला आएगा, जब चाहेगा कब्ज कर लेगा। लेकिन ये आयत गौर फरमाएं, या अय्यतुल नफ्स मुतमईना, सिवाय 14 के और कोई नहीं, और हुसैन मंजिल उला पे मुखातिब है, या अय्यतुल नफ्स मुतमईना, ऐ नफ्स मुतमईन इरजई, ये नहीं क्या तेरी रूह कब्ज होगी, बस तू इस हालत में है खुद लौटा, अपने इख्तियार से लौटा, इरजई इला रब्बिका, अपने रब की तरफ, रावियतन मर्जिया, इख्तियार से लौटने के सबब ये कहा कि तू राजी है लौटने पे और मैं तुझसे राजी हूं, ये तेरा इख्तियार है। हुसैन उस वक्त हालत जहाद में थे, भी आएगा कि जब ये निदा बुलंद हुई थी करबला में, यानी नाजिल तो कुरान में ये आयत पहले हो चुकी थी, लेकिन इंतजार कर रही थी हुसैन की असर आशुर का, कि जब दोबारा आसमान से पहली बार जब ये सूरा ये आयत नाजिल हुई तो पैगंबर ने पढ़ के सुनाई, साहिब वही ने पढ़ के सुनाई, लेकिन जब हकीकी मिसदाक सामने आया तो फिर आसमान से निदाए कुदरत खुद आ रही थी, या अय्यतुन नफ्स मुतमईना इरजई इला रब्बिका राजियतन मर्जिया फ़क़्बुली फ़ी इबादी। उस वक्त हुसैन के चारों तरफ हुसैन को चेहरे दिखाए गए, हुसैन की मुलाकात के लिए, हुसैन के इस्तकबाल के लिए रसूल तशरीफ लाए थे, तमाम अंबिया तशरीफ लाए थे, अमीर मोमिनीन तशरीफ लाए थे, सैयदा मौजूद थी, असल में तमाम मौजूद थे, और हुसैन को उन सब का जब चेहरा दिखाया गया तो कहा गया फ़क़्बुली फ़ी इबादी, ये मेरे इबाद हैं, आ जा जहां ये खड़े हैं तू भी यहां खड़ा हो जा, वदखुली जन्नती, और ये जन्नत तो है ही तेरी थी और तू मेरी जन्नत में दाखिल हो, इसमें ये नहीं कहा कि तू
जन्नत में दाखिल हो। एक जन्नत है मोमिनीन की, और मोमिनीन में भी मदारिज है, कोई किसी दर्जे की जन्नत में है, कोई किसी दर्जे की जन्नत में है। उन जन्नतों के मुख्तलिफ नाम मौजूद है, मैं इस वक्त तफसीर अर्ज करूँ तो मसाइल से जुदा हो जाऊंगा, सिर्फ इशारा अर्ज कर रहा हूँ। यहाँ अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मोमिनीन वाली जन्नत में चला जा, सालेहीन वाली जन्नत में चला जा, अंबिया वाली जन्नत में चला जा। कोई ऐसी जन्नत है जिस जन्नत को अल्लाह अपनी जन्नत कहता है, फकुली फी जन्नती, मेरी जन्नत में दाखिल हो। हुसैन सारी जन्नत का सरदार है और उसमें अल्लाह की जन्नत भी है। अभी अल्लाह ने जो खुसूसी नस्बत दी, कोई इसमें ये शक न करे, जिस तरह बैत को किसी घर को अपना बैत नहीं कहता, काबा को अपना बैत कहता है, इसी तरह सारी जन्नत को अपनी जन्नत नहीं कहता, उसका कोई खास ऐसा बुलंद मुकाम है जिसे अल्लाह अपनी जन्नत कहता है। और हुसैन से कहा कि आ जा उस जन्नत में, आ जा पकोनी की इबादी। अल्लाह तआला ने हुसैन ये अजीब साते थी, इन सातों का माहौल जिस तरह मीर अली खान अल्लाह मकामा ने नज़्म किया, और भी अजीज ने, मैं यौम आशूर खुद इस मरसिया के संबंध से इतना वाबस्ता हूँ कि मेरे गिरिया को सिर्फ यही बंद काफी होता है। इसके अंदर जो कुछ कहा गया कि हुसैन जब के चढ़े बाहर दो बहर बंद हो न था कोई के जो था में रखा दे तो सन को प्रिय जी इस बार जब बाबा सारा दिन लाश उठाने वाले हुसैन सकीना के पास आता था तो चार साल की बेटी बाप से मोहब्बत का इजहार कैसे करती है, थके हुए बाप का इस्तकबाल कैसे करती है। सकीना देख रही है मेरे बाबा के जिस्म में खून जो रहा है, मेरे बाबा के चेहरे पर किसे आ रहा है, बाबा मेरे बाबा का आधा उतरा हुआ है। सकीना क्या करे, बेवसी में अपने बाप को देख के सकीना क्या काम करती है, बस मुझे यही मंजर उड़ा देता है। सकीना झाड़ रही थी सच है, और वो उस वक्त बुलंद आवाज में हिनहिना रहा था
نام فرماتے کہ تمہیں معلوم ہے وہ اپنی آواز میں کیا کہہ رہا ہے. سزاداروں ہونے کے لیے امام کی روایت پیش کر رہا ہوں. سزاداروں اس میں کوئی تعریف شامل نہیں ہے, اس میں معصوم کی زبان ہے, اور میں بیان کر رہا ہوں ذمہ داری سے. امام فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ رہوا یہی کہتا تھا بار بار کہ تف ہے اس قوم پر, تف ہے اس امت پر جس نے اپنے ہی رسول کے نواسے کو اس طرح غریب اور معیار اور مددگار بنا لیا, اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہیں. گھوڑا دوڑ رہا تھا اور امت پہ لعن کر رہا تھا, تو پھر اس امت پر وہ زہر کیا شور پڑ رہا تھا, زہر کیا شور پڑ رہا تھا. سوال کیا تھا مولا پھر اشتیاق پڑ رہا ہے کیا صرف یہی جملہ کہہ رہا تھا, پھر مولا کیا سنا رہے ہوئے قریبی لوگوں نے بیان کیا کہ وہ
कुछ रिवायात मिंबर पे इस तरह पढ़ते थे कि गोया जैसे देख कर बता रहे हैं आयतुल्लाह वली अल्लाह को सलाम करके साहिबे वान या साहिबे निगाह हैं उन्होंने करबला को यानी कुछ ऐसे आवाज हैं कि वक्त पीछे आपके सामने नजर आता है उन्होंने वो तमाम मंजर जब देखे तो कहते हैं उन्होंने कुछ मंजर तो बयान किए मिंबर से लेकिन उस मजलिस में जैसे ही ये मरहला आया कि वो मंजर उन्होंने देखा था कि हुसैन जीन से कैसे उतरे वो कहते हैं कि आयतुल्लाह बयान करते करते बेहोश हो गए उन्होंने कहा कि मैं इस मंजर को Thank you.
سب نے معروضہ کیا خلیل اللہ سے. امام صادق فرماتے ہیں خلیل اللہ نے معروضہ کیا پیغمبر سے کہ تمام انبیاء کی طرف سے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ اللہ کے حبیب ہیں, آپ بھی اس مصیبت کو برداشت نہیں کر پا رہے, ہم بھی برداشت نہیں کر پا رہے. جب حسین اتنی قربانیاں دے چکے ہیں, کربلا میں حسین نے قربانی کا وعدہ تکمیل کر دیا, اب ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ حسین کا وجود اس خنجر سے, ظالم کے خنجر سے حسین کا اپنا وجود محفوظ ہو جائے. آپ حسین کو بتا لیں, جب یہ جملے کہیں نا اس وقت حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت معاملہ بہت نازک ہے. اے گروہ انبیاء, حسین سارا دن قربانی کے مراحل طے کر کر کے یہاں تک پہنچا ہے. میں یہ دعا اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک حسین خود مجھے اجازت نہ دے کہ میں یہ دعا حسین کے بجانے کی مانوں. اس وقت رسول اللہ نے کہا کہ ہاں میں حسین سے پوچھتا ہوں, لیکن نالا صدا رسول بلند ہوئی, اے سیدہ اے میری بیٹی ہے فاطمہ, ماں مصیبت کے وقت میں اولاد سے بہت قریب ہوگی, مجھ میں یہ برداشت نہیں ہے کہ میں حسین سے یہ سوال کروں, چاہیے جا کے بیٹے سے پوچھئے, اگر حسین چاہے تو ابھی تقدیر بدل جائے گی, میں بھی حسین کو بچانے کی دعا کر دوں گا. بی بی گئی نے آ کے حسین سے کہا, اے میری گود کے والد, میں نے تجھے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا, کیا تم اس وقت ہمیں اجازت دیتا ہے ہم پروردگار سے یہ کہہ دیں کہ وہ اس مقدر کو بدل دے, اس وقت تیری شہادت کو تیری سلامتی میں بدل دے, اس وقت یہ خنجر آدھا رک جائے, حالات بدل جائیں. اس وقت حسین کہتے ہیں اما جانی میں نے جو منزل پانی تھی میں وہ منزل پا چکا ہوں. اس وقت ایک پروردگار ہے, ایک میں حسین ہوں. فاطمہ تم جانو حسین جانو.